दोस्तों आज है जुलाई बीस तारीख कनाडा में शाम होने वाली रात होने वाली है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से हेमल पटेल और ध्रुव पटेल सॉरी ध्रुव पटेल सॉरी ध्रुव पटेल आपके हेमल को उसके वो अकाउंट बनाया शायद किसी फैमिली का ध्रुव इन्होंने एक मेरे को आज एक शुभ समाचार भेजा है और मैं वो दिखा रहा हूँ और ये जुलाई चौदह का अप्रूवल लेटर है पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है इसमें क्लाइंट आईडी डी वाला जो मैंने सब हटा दी है यहाँ पर जो मेन चीज दिखाने वाली है वो है एप्लीकेशन टू वर्क इन कनाडा हैज अप्रूव्ड कंग्रेचुलेशन ध्रुव आपको स्पाउस वीजा मिलने का और ये कोरोना वायरस के जो सीजन में जो लॉकडाउन वाला सब चल रहा था तो ये तो आपने अच्छा जैसे एक रेनबो जैसे आता है ना मानसून के बाद इंद्रधनुष तो आता है वैसे आपने एक खबर दी है कि आपका वीजा लग गया वीजा लग गया पासपोर्ट में लग के आ गया ना हाँ जी सर आ गया पंद्रह तारीख को आ गया क्या बात है अच्छी बात है आ, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे क्या हुआ ये दूसरी एप्लीकेशन है पहली एप्लीकेशन है इसमें क्या किया आप मेरे से कैसे कांटेक्ट में आए और क्या क्या मसले का सलूशन क्या निकला था थोड़ा सा मैं याद नहीं आप मेरे ख्याल काफी तीन चार महीने हो आप आए थे पहले जी सर फेब्रुआरी में आया था तो सर मेरे मेरे मेरा यहाँ पे कंसल्टेंट था उनके पास मैं गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ये सब कर दूंगा कर दूंगा फिर मैं उनके पास फाइल मेरी प्रोसेस में थी पर मेरे दो तीन बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूजन थे जिसको करके वो मेरे शॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे और वहां से भी कोई सेटिस्फाई करने वाला आंसर नहीं मिल रहा था तो फिर मैं ऐसे ही आपका यूट्यूब पे वीडियो देखता था तो आपने बोला था कि अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते तो फिर मैंने आपका वो फॉर्म पे दो तीन मिस्टेक थी जो मैंने फॉर्म भरा था उसमें मतलब उन्होंने जो भर के दिया था उसमें तो भी सर आपने करेक्ट करवाया अगर वो फॉर्म चला जाता तो भी फिर प्रॉब्लम हो जाता तो है मेरे में को याद आ रहा फॉर्म में क्या मिस्टेक थी मैं थोड़ा सा वो क्लाइंट प्राइवेसी uh, को मेंटेन करते हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन फॉर्म में कुछ लोचा था उसमें और उसका अगर आ, नहीं ठीक होते तो वो प्रॉब्लम हो जाती वो फिर मिश्री प्रेजेंटेशन ही आ जाता हाँ 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 बेनी आ, 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 तो आ जाए वो ऐसा बहुत बड़ा लोचा किया था कुछ नहीं था और उसने डाल दिया था हाँ आपने यहाँ ये ये बात थी मार्च में दिस वाज नहीं सर वो फ़रवरी में था फ़रवरी में देखे आपने देखे। आपने पैसे कितने दिए थे मेरे चार्ज करते हैं कई लोग कहते हैं जी यहाँ पर भी इंडिया में तो बहुत ज्यादा पैसे हैं जी क्या है हम एजेंटे को लाखों रुपए दे देंगे हम पांच लाख दस लाख बीस लाख दे देंगे लेकिन दो सौ पचहत्तर डॉलर हम बात करने के वो नहीं देंगे आपने आपने भी जहां से केस लगवाया था पहले जहाँ पर आप गुजरात में हो, वहां पर भी है, जो आपने बताया, वो वहाँ पे वो लोग अच्छा। मतलब आप वहाँ पे उनके थ्रू फाइल लगाओगे तो पैसे तो पचास से हजार या लाख रूपये ले लेते हैं वो लोग फाइल लगाने के लाख रुपए तक लेते है लाख रुपए तक लेते और अगर आपको

जो कि पांच से दस हजार रूपए तक का तकरीबन होता है यहाँ यहाँ पे जो सिस्टम था वहां तक ये तो वो बात हो गई कि हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएं और डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं चैम्बर में और डॉक्टर साहब कहते हैं जी पैसे पहले जमा करा दो वहाँ पर रिसेप्शन पे और आपको दवाई कंपाउंडर देगा आप वहीं से दवाई लेके आप फारन, फारन से फारिग हो जाओ ये तो यही बात हुई मतलब कि जो मेन डॉक्टर है जिसके जिसके हिसाब से लाइसेंस है वो बात नहीं करेगा आपसे

भाई आप गुजराती हो आपको पता है जब मैंने ये स्पाउस वीजा का, का काम शुरू किया था आज से करीब तीन साल पहले साढ़े तीन साल पहले सबसे पहला मेरा जो क्लाइंट था वो गुजराती फैमिली ही थी स्पाउस वीजा के लिए सबसे पहली फैमिली अगर वो मेरी बात अभी सुन रहे हैं तो उन्हें पता है वो कौन है वो एडमिंटन में ही है उसके बाद तो फिर लड़ी लग गई उसके बाद कई गुजराती फैमिली आनी शुरू हो गई मेरे पास और स्टूडेंट्स उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर आगे नॉन गुजराती साउथ इंडियन पंजाबी सब में खबर फैल गई है तो सबसे पहला मेरा क्लाइंट वही था और उन्होंने ही मेरे को काफी कुछ जस्ट आई एम नॉट वेरी यू नो शाय टू से उन्होंने भी मेरे को काफी कुछ सिखाया इस बारे में जो आज से तीन साल पहले मेरे को नॉलेज नहीं थी इसकी और धीरे 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 अब तो मेरे ख्याल मेरा ख्याल है कि हम करीब करीब एटलीस्ट पाँच सौ एप्लीकेशन तो कर चुके हैं इस वक्त पाउस वीजा की और uh, और जहाँ तक के जो जो फाइल्स हैं फाइल्स जो हम देखते हैं रोज़ रिफ्यूज़ल वाली और नई वाली सारे मैं समझता हूँ मैं हज़ार फाइल्स कम कम से कम देख चुका हूँ उनको एक्सरे कर चुका हूँ कि इस फाइल में क्या है उस फ़ाइल में क्या है तो काफ़ी कुछ उसमें हम लोग को पता लगता है कि यू you नो know, उसमें क्या हो सकता है बट एनी वे तो अच्छा uh, है कि आपके पैसे वसूल हो गए और आपका काम हो गया

अगर वो वर्क परमिट लेती हैं से इन जनवरी और फरवरी तक लेती हैं और अगर आपका कोरोना वायरस ठीक नहीं होता है और आपका अगर दिसंबर के बाद की फ्लाइट चलती है अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो वहां पर तो आपको उनका जॉब लेटर उनका नॉकबी की सैलरी स्लिप्स वगैरह वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो सब आपको साथ ले जानी पड़ेगी क्योंकि बी कैटेगरी की चाहिए बी बी कैटेगरी चाहिए ओ एन होता है उसमें बी कैटेगरी की होती है तो अब फॉर एग्जाम्पल कई स्टूडेंट्स यहाँ काम करते हैं कोई फूड सर्विस में टेम हॉटेंस कॉफी ऑफिस में काम करते हैं तो करीब करीब डिपेंडिंग ऑन द प्लेस पंद्रह से सोलह डॉलर की तनख्वाह होती है उनकी तो इस तरह की जॉब में आपको दिखानी पड़ेगी पर कोरोना वायरस अगर ठीक हो गया अगर आप दिसंबर से पहले पहले उनके स्टडी परमिट के होते होते अगर आप वहाँ पहुँच गए सब तो कोई चक्कर ही नहीं है तब तो आप वहीं जा सकते हो अब ये कब खुलेगा अब इसके बारे में कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पर बाकी सब कुछ ठीक है ओके okay, सर मेरा एक और क्वेश्चन है अगर तो, मतलब मान लीजिए कि उसका स्टडी दिसंबर में खत्म और फिर उसने फाइल आ, की परमिट के लिए तो आ, उसमें सर दो-तीन महीना चला जाता है है राइट करीब करीब मेरे ख्याल हफ्ते हफ्ते तक तो जाना चाहिए तक, हाँ, हाँ, ठीक आ, है, तो, फिर? तो उसके बीच में अगर कहीं से ट्रेवल कर सकते हैं ओके सर आप आप ट्रैवल कर सकते हैं कोई चक्कर नहीं जब तक क्योंकि क्योंकि एक्चुअली जब वो अप्लाई करती है तब वो एम्प्लॉज स्टेटस में वो वो है और वो काम कर सकती है मतलब अगर उसके पास जॉब हो तो काम कर सकती है अगर उसके पास जॉब है उसके पास उस वक्त तो जरूर जॉब लेटर वाला उसके पास होगा या पे स्लिप्स होंगी वो आपको जरूर दे देगी और अगर नहीं है जॉब तो एक बहाना हो जाएगा कि हमें तो जॉब मिली नहीं अभी आर स्टिल वेटिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर लेट्स से कि आप जनवरी में टोरंटो एयरपोर्ट पहुंचते हो तो आपके पास एक बहाना तो हो ही जाएगा कि अब उसके पास तो अभी जॉब है नहीं है, शी इज वर्किंग अगर है तो यू नो वी नीड टू प्रोवाइड दोस डॉक्यूमेंट्स ओके सर क्योंकि आपका sir, बहुत लोगों को ये पता नहीं है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपका ये कोडिंग बदल जाती है आपको शायद ये जानकर थोड़ा सा अजीब ना लगे कि आपका जो वर्क परमिट है वो है एलएमआईए एग्जेम्प्ट कि इसमें एल एम आई ये नहीं चला एल एम आई एग्जाम की कैटेगरी में कम से कम सत्ताईस तरह के वर्क परमिट होते हैं जैसे एक स्पाउस का हो गया जैसे आपका हो गया एक वर्क परमिट का है, दूसरा हो गया एक वो होता है जो जिसका जैसे जो रेफ्यूजी में बनते हैं वो होता है जो एक होता है हॉलिडे मेकर होता है जो होता है एक ऐसा भी होता है जिसने पी बनने के बाद अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया विद इन कैनेडा और उनको वहां पर काम करने के लिए वहां पर मिलता है तो अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग एक कोडिंग बनी हुई है वर्क परमिट की तो जो आपकी कोडिंग है जो आपका अगर आपको अपने वर्क परमिट देखना कहीं लिखा होगा या आपके उसमें अप्रूवल लेटर में कहीं लिखा होगा आपका कोडिंग है सी और जब आपकी जो स्पाउस है जब वो वर्क परमिट पे आ जाती है तो इमीजिएटली कोडिंग बदल जाती है उसको कोडिंग को हो जाता है सी C40. तो C41 की रिक्वायरमेंट कुछ और है सी फोर्टी टू की कुछ और है है ओके सर तो ये ये चक्कर अब जैसे एक स्टूडेंट जो स्टूडेंट जाते हैं जो जिनके पास स्टडी परमिट है और स्टडी परमिट के होते होते भी वो वोअप वर्क परमिट अलग से आजकल देते हैं होता है उसकी कोडिंग कुछ अलग है ये सारी सिचुएशन है डिस्क्राइब करे हैं इमिग्रेशन लॉ में कि ये कोडिंग के हिसाब से एल एम आई एग्जाम जो वीजा इश्यू होता है तो ये कोडिंग का खेल है सारा बोले हाँ जी बहुत बढ़िया सर आप अभी अभी भी कंसल्ट, कंसल्टेशन दे रहे हैं सर जी बस हमारा काम ही यही है हमारा तो हमारा तो कर्म भी यही है धर्म भी यही है हमारा सब कुछ यही है हम तो मतलब देखिए ऐसा है कि हम तो बांटने के लिए बैठे हैं ये जरूर है कि हमें भी अपना आ, पेट आ, आ, थोड़ी सी पेट पालना है हमें भी दाल रोटी खानी है तो अगर अगर हम अगर हम पैसे चलो लेना चाहिए एक बात मैं और आपको बता दूं कि एक 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 बात एक बात मैं और बता दूं आप कि जब जब मैंने पीछे कौन है को मेरी मम्मी थी सर अच्छा अच्छा जैसे कि हम लोग हम लोग कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं ना कि पैसे लेके कंसल्टेशन देते हैं जी सर पहले पहले मैं फ्री देता था कंसल्टेशन आज okay, से करीब दो साल से पहले मैं फ्री देता था तब तब प्रॉब्लम ये होती थी कि जब अगर आप फ्री किसी को एडवाइस दो ना तो कोई सुनता भी नहीं था आ, वो भी है पैसे अगर आप, बिना पैसे अगर आप, हाँ अगर आप किसी को फ्री में ऐसे बोलते रहो कि तू ये कर ले वो कर ले तू ये ना कर वो ना कर वो कहता ऐसी पागल है तो फ्री में बात करे जा रहा हमें क्या मतलब वो भी फ्री है हम भी फ्री है हम तो टाइम पास कर रहे हैं लेकिन लेकिन जब जिसको एक एक एडवाइस और एक कंसल्टेशन की एक जरूरत है उसको प्यास लगी है उस नॉलेज की जब वो पैसे खर्च करके वो उस एडवाइस को लेता है तो वो उसको सुनता भी है ध्यान से और उस उसपे अमल भी करता है आप कभी भी जिंदगी में अपना एक तजुर्बा करके देख लेना नहीं वो भी सही पैस, पैसे देके जो चीज हो, खरीदी होती है और जो फ्री में मिलती है उसका वो जो फ्री में आती है उसका कोई अहमियत नहीं होती है जो पैसे दे के हम जो चीज लेते हैं उसको बहुत ध्यान से रखते हैं लेकिन 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 जब हम कंसल्टेशन देते हैं किसी को तो हम पूछते भी उसे भाई आपको कुछ आ, फायदा हुआ कि नहीं हुआ नहीं फायदा हुआ तो मैं कई कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि हम मैं पैसे वापस भी कराओ मैंने कईयों के पैसे वापस भी करे हैं जिनको लगा कि ठीक है जी जो भी रीजनस है बाकी मेरे पास रिकॉर्ड बहुत ही मेरा वो है कि ऐसा नहीं है कि कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनसे बात करूंगा तो उनको वीजा मिल जाएगा मैं कहता ऐसी बात नहीं है आई कैन आई एम हियर ओनली टू प्रोवाइड यू लीगल नॉलेज एंड गाइडेंस आप मेरे से सीखो जो पूछना है मेरे से सीखो और जो मेरे को नहीं पता है तो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा लेकिन उसके बाद करना है अपने आप करो और पैसे बचाओ जैसे आपने बताया कि कंसल्टेंट लाख रुपए तक चार्ज करते हैं गुजरात में फाइल लगाने हाँ। के लिए तो लाख रुपए तो हो गया दो हजार डॉलर तो हाँ, आप दो हजार डॉलर देने को तैयार हो वीजा फाइल लगवाने के लिए फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वीजा लगे नहीं लगे और इस तरफ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे पास एक घंटे दो घंटे आओ और मैं आपको बताता हूँ क्या लॉ है क्या एलिजिबिलिटी है उसके बाद अपनी एप्लीकेशन आपको अपने आप करनी है अपने आप करो उस

आपने कहा कोई बात नहीं आप उसको एफिडेविट बना दो उसके लिए उसका कोई नहीं। चक्कर नहीं है फिर फिर आपने फिर मैंने आपने आपने मैंने बोला था 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 ऐसे एफिडेविट और वो वो सब बना दिया आपसे बात करने के बाद भी आपने वो किया तो से ये दो हजार दो, दो डॉलर देने के बाद भी वहाँ से मेरे को लग रहा है आ, कोई बात नहीं यार जिंदगी भर याद रखोगे भाई जब भी जहां पर कनाडा में नहीं, आओगे टोरंटो में आओगे कभी आप अल्बर्टा आओगे मिलके जाओगे कोई बैठ के चाय कॉफी पियेंगे तो कुछ याद रहोगे दोस्ती चलती रहेगी बाकी यह केस तो बहुतों के होते हैं मेरे पास तो अब मैं क्या बताऊं आपको या पब्लिकली क्या क्या बताऊं केसों के बारे में मेरे पास तो ऐसे ऐसे केस आए हैं जिनके चार बार पांच बार छह बार सात बार भी रिफ्यूजल लगे हैं कैनेडा से भी ऑस्ट्रेलिया से भी कैनेडा इधर आपके अमेरिका से भी

लीगल कोई है तो चैलेंज करते हैं लेकिन उसका भी बड़ा धंधा लोगों ने बना रखा है लॉयर्स स्पेशली यहां पर आ, एरिया में कम से कम दस हजार बीस हजार डॉलर तक चार्ज करते हैं जबकि मैंने इस बारे में कई वीडियोस बनाई है कि जो चैलेंज करते हैं मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए उसकी हार्डली वन परसेंट टू परसेंट भी अप्रूवल रेट नहीं है डेट मीनस के सौ केसेज में से एक दो पास होते हैं लेकिन वो वकीलों ने पहले ही एडवांस में पैसे ले लेने ले, आपसे ले, ले उनको कोई उनको गारंटी नहीं आप, उनकी मजाल नहीं है आपकी उनसे पूछोगे गारंटी है कोई नहीं है मेरे से लोग पूछते हैं गारंटी क्या है जी वीजा क्या कब मिलेगा तो बस ऐसे चल रहा है बस चलो एनी थैंक यू वेरी मच आपका बड़ी खुशी हुई आपका जो वीजा आ गया है और ये अभी इस सीजन का पहला वीजा है और जो कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है तो मेरे कई कुछ एप्लीकेशन इस वक्त पेंडिंग हैं जो वहाँ पर जो मतलब प्रोसेस में है जिनका डिसीजन नहीं दिया लेकिन आपका ये जुलाई चौदह को डेट आई हुई है क्लाइंट आईडी नंबर एप्लीकेशन हटा दिया हमने पटेल अहमदाबाद और एप्लीकेशन टू वर्क टू कैनेडा बड़ा बड़ा दोस्तों लिखा हुआ है ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर और वीज़ा तो आपका हाथ में आ चुका है तो आपको मुबारक हो वीज़ा और हम होप होप करते हैं कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पर आए और आके कैनेडा में जो आपकी वाइफ के साथ अपने आगे पीआर की फाइल पर्स्यू करें ओके okay, सर मेरा एक और क्वेश्चन था बोलें uh, मान लीजिए मेरी वाइफ का अगर स्टडी खत्म हो जाता है दिसंबर में तो उसके बाद फिर वो मतलब वर्क कर काम कर सकते हैं मतलब या नहीं कर सकते और वो अगर फाइल लगाने के बाद काम कर सकते हैं या ऐसा कुछ उसमें भी कंफ्यूजन है नहीं नहीं इसका मैंने आपको जवाब दे दिया ना आपको मैंने आपको जवाब दे दिया है कि लेट अस के 31st को उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है उसके पास लेटर आ गए हाँ। हाँ। को, को, को की नहीं नहीं सर अब मेरी बात मैं हाँ। वही बता रहा हूँ तो जब वहाँ पे लेटर आ गया और फिर वहाँ पे उसने अप्लाई किया उसके बीच में काम नहीं कर सकते ऐसा है सर नहीं वो उसी आंसर पे मैं आ रहा हूँ जब आप जब आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपने अप्लाई कर दी अप्लाई करते हैं ऑनलाइन करते हैं एप्लीकेशन लग जाएगी जैसे हो, right okay, हो गया थोड़ा सा यस हो गया इसको इसको मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं अगर मेरे को 2 तो मिनट दो मिनट को खोलना पड़ेगा मैं आपको एक उसका क्योंकि जो मैं बात करता हूं मैं तो सिर्फ मैं लॉ से बात करता हूँ मेरे को अपने कोई सपना नहीं आ रहा है या मेरे को अपनी तरफ से कोई वो वो नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक ख्याल है ये मैं तो जो लॉ कह रहा है वो उसके <coughs> बारे में मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वो लॉ क्या कह रहा है और मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड सेकेंड uh, या देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ये आ, आपको शायद स्क्रीन पे कुछ आ, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यस yes, सर स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ हाँ जी सर दो मिनट मैं आपको पढ़ देता हूँ जो मेजर जो उसकी लाइंस हैं वर्क ऑथराइजेशन आफ्टर सबमिटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एप्लीकेशन As per paragraph R 186W, which is Regulation 186W subclass, graduates who apply for work permit such as PG work permit before the expiry of study permit, आपकी वाइफ का तो study permit खत्म हो रहा है अगले साल, ठीक है, so are eligible to work full time without the work permit while waiting for a decision on an application. ये ये आपको शायद ये हमने highlight कर दिया, clear हो गया? सर दे आर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम वर्क परमिट उनका अभी तक आया नहीं है सरकार से apply, क्या क्या है चार चीजें हैं हैं। वो देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि उनके पास वैलिड स्टडी परमिट है वो है उसके पास दिख रहा है आपको स्क्रीन पे हाँ दिख रहा है आ, दूसरा है कि they have completed their प्रोग्राम ऑफ स्टडी वो उसने कर लिया दिसंबर 31 को जब भी है ठीक है

अगर ये चार चीजें हैं तब जब तक उसका डिसीजन पेंडिंग चल रहा है वर्क। वर्क वर्क और ये देखें, रिमेन टू फुल टाइम विदाउट द दिसंबर इकतीस को उसकी पढ़ाई खत्म हुई और वो जनवरी फर्स्ट को वो फ्लाई करके अहमदाबाद आ गई ठीक है ना अहमदाबाद आ गई अभी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अभी उसका आ, चलो इस, हम हम ऐसा ऐसा करते हैं लेट्स से के दिसंबर इकतीस को अप्लाई किया और जनवरी की उसकी फ्लाइट है अहमदाबाद की तो दस दिन बीच में है, नौ दिन बीच में है नौ दिन वो काम कर सकती है जनवरी दस को वो फ्लाइट लेके अहमदाबाद गई और वहां दो महीने के बाद वहीं पर ऑनलाइन अहमदाबाद में बैठे बैठे उसको नोटिस आया कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्रूव हो गया है उसको लेटर को लेकर कनेडियन हाई कमीशन ने कही कि भाई देखिए मेरे पास अप्रूवल आ गया मेरा वीजा नया जो स्टैंप कर दो तो दोबारा नया वर्क वीजा वो स्टैंप कर देंगे फिर वो आपको लेके आ सकती है आई एम जस्ट गिविंग एन क्लासिक सिनेरियो मतलब के के अगर वो इस दौरान अगर वो कनाडा छोड़ती भी है और रीएंटर करती है तब भी वो इन बिटवीन वो काम कर सकती है व्हाइल द वर्क परमिट एप्लीकेशन इज पेंडिंग क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कोई हाँ जो समझ गए और ये सब जो है ये मैं अपने अपने उससे नहीं अपने इमेजिनेशन से नहीं कह रहा ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और सारा क्लियर है जिसका मर्जी है इसको कॉपी पेस्ट करके आप गूगल पे अपने आप ही पढ़ सकते हैं और हम लोग हम लोग पैसे चार्ज करते हैं क्योंकि हम दिन रात इसी की पढ़ाई करते है <laughs> समझ गए अगर वर्क परमिट स्टडी परमिट खत्म हो जाती है फिर पंगा होता है सेम फिर फिर हाँ वर्क परमिट जब आप अप्लाई करते हैं तब तो आपका स्टडी परमिट वैलिड होना जरूरी है कभी कभी तभी, तभी तो जैसे लोग अगर कोई एक, एक्स्ट्रा नया कोर्स लेते हैं कुछ और कुछ वो लेते हैं तो उनको स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना पड़ता है एटलीस्ट डेज नाइन सिक्स एक्सटेंड कराना पड़ता है okay, ये दो साल का कोर्स का ये फायदा है हाँ दो साल का हाँ ये भी एक बड़ा अच्छा एक चीज निकल के आई है कि लालच में हम लोग क्या करते हैं इंडिया में स्पेशली स्टूडेंट कहते हैं नहीं जी हमें सस्ते में दिला दो एक साल में हमारा काम हो जाए वो फिर वही है सस्ता रहो बार बार महंगा रहो एक बार एक साल में जो कोर्स में आएंगे उनके पास ज्यादा ऑप्शन बचने वाले नहीं है उसकी भी हाँ, वैलिडिटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल वर्क परमिट भी का भी वो मुश्किल में आएगा और ज्यादा उसका भी उसके पास उसको एक साल का वर्क परमिट मिलेगा और यू नो एनी अगर दो साल का है तब तो सही है मैं तो आइडियली बोलता हूँ आप मेरी बात कोई सुनेगा तब ना लेकिन वो जिसने जो, जो मान लेगा वो वो फायदे मिलेगा जैसे अगर आप इंडिया में कोई अगर बारहवीं कर रहा है जैसे 10 कर रहा है उसको जब बजाय के छोटे मोटे दो साल के डिप्लोमा के लिए बजाय उसको ये कर, छोटे से ऐसे करने के लिए उसको यहाँ पर चार साल के लिए बैचलर्स डिग्री करने आना चाहिए बीबीए बी एस सी बी ए वाला वो ही सबसे फायदे में रहेगा आपकी बात सही है सर ठीक hmm. hmm. है ध्रुव और कोई सवाल अगर कोई अगर है तो बताएं बाकी कंग्रेचुलेशन आपको एक बार और और थैंक यू सर आपका भी शुक्रिया वी एक्सपेक्ट यू टू सून इन टोरंटो सम टाइम थैंक यू सर ठीक है थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय